अच्छा 1.3 के वो खास टॉपिक्स नहीं है, ये समझ लो आपके क्वेश्चंस ही आपको सॉल्व करने हैं वहां पे। देखो तीन किस्म के टॉपिक हैं जो आपको बताने हैं। मेन जो टॉपिक है ना वो है सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। आपके पास कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस आएंगी, उनके आपने सॉल्यूशन करने हैं। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिनमें कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व होते हैं, उन इक्वेशंस को आप क्या बोलोगे? कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। अब सॉल्व आपने उन इक्वेशंस को किस तरीके से करना है, वो तीन किस्म के उन्होंने केसेस देखे हैं। सबसे पहला क्या है, सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। होगा ये कि आपके पास लीनियर इक्वेशंस होंगी। लीनियर इक्वेशंस वो होती हैं कि जिसमें वेरिएबल जिसकी वैल्यू आप निकाल रहे हो ना उसकी पावर 1 हो। तो जो वेरिएबल आप निकाल रहे होगे पावर तो उनकी 1 होगी, दैट्स वन को लीनियर बोला गया। लेकिन नॉर्मल जो आप सॉल्व करते थे और इसमें क्या फर्क है? फर्क ये है कि इसमें जो कोफिशिएंट है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। नॉर्मली जो आपके पास इक्वेशन होती थी, फॉर एग्जाम्पल 2x + 3y, मतलब जो कोफिशिएंट होते थे ना एक्स और वाई के, वो 2, 3 रियल होते थे कुछ। लेकिन अब जो कोफिशिएंट है वो इमेजिनरी सॉरी कॉम्प्लेक्स होंगे। तो मेन फर्क आपको क्या नजर आया है, रियल इक्वेशन में जो कोफिशिएंट थे वो रियल होते थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में अब जो आपको कोफिशिएंट मिल रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स हैं। अब जब कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स हैं तो ज्यादातर चांसेस यही होंगे कि जो मैक्सिमम रूट्स होंगे ना वो भी कॉम्प्लेक्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर फोर्थ डिग्री की इक्वेशन है, चार रूट है उसके, तो अब मे बी 3 कॉम्प्लेक्स आ जाए, एक रियल आ जाए, या सारे कॉम्प्लेक्स भी आ सकते हैं। चांसेस ज्यादा ये हो कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, क्योंकि कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स है तो ज्यादातर कॉम्प्लेक्स नंबर ही सेटिस्फाई कर रहा होगा उन इक्वेशन को। लेकिन बहर हम देख लेते हैं हर इक्वेशन में किस तरीके से हमने करना है। तो आपको लीनियर इक्वेशन दी जाएंगी, उनके कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट होंगे और आपने वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी होंगी। यहाँ पे जो वेरिएबल्स होंगे वही मैंने बताया कि चांसेस है कि वो भी कॉम्प्लेक्स होंगे। जैसे लीनियर इक्वेशन में तो डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स ही होंगे, अनलेस कोई ऐसा केस हो कि जिसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि उसमें कोई रियल या इमेजिनरी पार्ट 0 हो, ये समझ लो कॉम्प्लेक्स, क्योंकि रियल भी कॉम्प्लेक्स ही कहलाते हैं। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ ना कि कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, उसका मतलब मैं ले रहा हूँ कि वो रियल होंगे, वरना कॉम्प्लेक्स तो हर नंबर है, हर नंबर ही कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ ना आप लोगों को कि अगर चार रूट है तो मे बी उसमें से एक कॉम्प्लेक्स ना हो, वो जुमला थोड़ा गलत है। इन द सेंस के वो रियल होगा लेकिन कॉम्प्लेक्स तो वो भी कहलाया जाएगा ना। तो कहने का मतलब कुछ तो आपको वो नजर आएंगे बिल्कुल 0, 2 + 3 iota, 3 - 4 iota, और कुछ आपको जस्ट रियल नजर आएंगे, फॉर एग्जाम्पल 2, 3 ये नजर आ रहा होगा, होंगे तो वो भी कॉम्प्लेक्स। तो जरा मेरी बातों से ना गलत नहीं समझना, होते तो हर नंबर ही कॉम्प्लेक्स ही है। दूसरा टॉपिक जो है ना वो लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट पॉलिनॉमियल एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। आपके पास एक पॉलिनॉमियल आएगा, आपको उसको फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन यहाँ पे जो फैक्टर है ना वो रियल नहीं होंगे। रियल फैक्टर कैसे आते थे? फॉर एग्जाम्पल जैसे आप वो a² - b² का फॉर्मा लगाते थे। लेकिन अगर बिल्कुल a² + b² आ जाए तो अब क्या फॉर्मुला लगाओगे? तो अब जो फॉर्मुला लगेगा ना वो आंसर में कोई आयोटा आ जाएगा, रियल नहीं होगा वो। तो देख लेंगे उसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना। और तीसरा टॉपिक है सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया करेंगी, आपको उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए से सॉल्व करना पड़ेगा। अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर कौन सा मेथड होता है इसको भी जरा हम देख लेंगे। तो ये तीन किस्म के मेथड हैं, तीन किस्म के टॉपिक हैं जो 1.3 में आपको गिवन है। अब मैं उनको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ तो आपको क्लियर होता जाएगा सब टॉपिक के बारे में। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट हैं, पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं, थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा है वो, सेम ही है। पार्ट नंबर 2 को देख लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में गिवन क्या है, 2z + 3 + iota w = 9 - iota, इसी तरह 3 - iota z + sorry - iota w - 1 + iota, इसको आप इक्वेशन 1 बोल दो, इसको आप इक्वेशन 2 बोल दो। आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मतलब वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। वेरिएबल्स कौन से हैं? z और w, इन दो की आपको वैल्यूज निकालनी है। सॉल्व करने का तरीका वही होगा जैसे आप सॉल्व करते हो। क्या टेक्निक आप लगाते हो कि यार एलिमिनेशन मेथड में क्या टेक्निक होती है कि z के फॉर एग्जाम्पल कोफिशिएंट सेम हो जाए, लेकिन अभी z का कोफिशिएंट ऊपर 2 है और नीचे z का कोफिशिएंट 3 - iota है। तो अब सेम आप कैसे करोगे? पहले भी मैंने बताया था सेम करने का तरीका क्या होगा। यहाँ पे कोई स्टूडेंट बता सकता है सेम कैसे करेंगे? इक्वेशन 1 को 3 - iota से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। भाई एक्सीलेंट जवाब है। सेम करने का तरीका ये कि भाई देखो इसमें 3 - iota नहीं आ रहा ना, तो मैं इसको 3 iota से मल्टीप्लाई करता हूँ, और इसमें 2 नहीं आ रहा, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो इक्वेशन 1 को आप मल्टीप्लाई करो 3 - iota से, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करो 2 से,
और उसके बाद क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना होगा ना, तो आप लिख दो इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू। तो इस तरीके से भी आप बता सकते हो कि आप क्या करना चाह रहे हो। तो इन काम साथ ही करते हैं, इक्वेशन नंबर वन को किससे मल्टीप्लाई करना है, थ्री माइनस आयोटा से। तो जब पहली टर्म को थ्री माइनस आयोटा से करोगे तो थ्री माइनस आयोटा इस तरह आ जाएगा, दूसरी टर्म को भी मल्टीप्लाई करो थ्री माइनस आयोटा। अच्छा एक काम हम चलो साथ लिख देते हैं, कोई इश्यू नहीं है, इस तरह कर देते हैं कि थ्री प्लस आयोटा ऑलरेडी मौजूद था, मैंने थ्री माइनस आयोटा से भी मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके से नाइन माइनस आयोटा को भी आपने मल्टीप्लाई कर देना है थ्री माइनस आयोटा से। तो इक्वेशन वन को मैंने ओवरऑल सब टर्म को थ्री माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इक्वेशन टू को आपने टू से करना है, जरा टू से मल्टीप्लाई करो, इसको टू से मल्टीप्लाई करो, माइनस टू डब्ल्यू हो जाएगा ये, इसको टू से मल्टीप्लाई करो, माइनस वन प्लस आयोटा हो जाएगा। अब करने के बाद आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन चेंज हो जाएंगे भाई इक्वेशन नंबर टू के। ये हो गया भाई सिंपल, जेड जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, जो आपका मकसद था बेसिकली जेड को कैंसिल करना था। अब डब्ल्यू को देखते हैं, डब्ल्यू में ऊपर टर्म क्या आ रही है, थ्री माइनस आयोटा थ्री प्लस आयोटा, इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दो, क्यों बार बार लिखोगे इसको, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कॉन्जुगेट है। मैंने आप लोगों को बताया था जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में क्या आता है, रियल का स्क्वायर मतलब थ्री का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी क्या माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है वन के बराबर होता है। तो नाइन प्लस वन टेन के बराबर होता है। तो पहले मैं बस कॉपी कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में इसको डायरेक्ट टेन कर दूंगा, ठीक है। नीचे डब्ल्यू वाली टर्म क्या है, प्लस टू आयोटा डब्ल्यू, यहां पे जरा देखते हैं नाइन माइनस, इसको चलो मैं नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, और नीचे वाली टर्म क्या है, माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस वन प्लस आयोटा। अच्छा ये तो सिंपल मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये हो जाएगा टेन, और यहां पे है टू आयोटा डब्ल्यू, यहां पे क्या होगा जरा सिंप्लीफाई करते हैं, नाइन को थ्री से मल्टीप्लाई करो ट्वेंटी सेवन, नाइन माइनस इसको करो माइनस थ्री आयोटा, और माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा टू माइनस टू आयोटा, ठीक है। अब देखो आपको डब्ल्यू चाहिए ना, तो डब्ल्यू को जरा कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा टेन और यहां से आ जाएगा टू आयोटा, और यहां पे सॉल्व करते हैं। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन, तो ये वाला माइनस वन और ये वाला प्लस टू, माइनस वन प्लस टू क्या होता है वन के बराबर, इस वन को अगर ट्वेंटी सेवन में ऐड करो ये हो जाएगा ट्वेंटी एट, माइनस नाइन आयोटा माइनस थ्री ये हो जाएगा माइनस ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व और माइनस टू ये हो जाएगा माइनस फोर्टीन आयोटा। अब मुझे देखने में लग रहा है टू कॉमन आ रहा है, तो सिंप्लीफाई कर लो, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, मुश्किल कैलकुलेशन कर रहे हो, टू कॉमन लोगे हो जाएगा फोर्टीन माइनस सेवन आयोटा, यहां से भी जरा हम टू कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा फाइव प्लस आयोटा। जो टू कॉमन लिया उसको आपस में हम कैंसिल कर देते हैं और रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, ओमेगा सॉरी डब्ल्यू बराबर होगा फोर्टीन माइनस सेवन आयोटा डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड कर दो फाइव प्लस आयोटा। अब ये सवाल बन गया जो आप लोग पहले भी करते थे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में डिवाइड करना है, तो जरा डिवाइड कर लेते हैं, 14 माइनस सेवन आयोटा को आपने डिवाइड करना है 5 प्लस आयोटा से, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 5 प्लस आयोटा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अच्छा पेपर में तो आपने नीचे नीचे ही करना है, मेरे पास जगह कम होती है तो मैं ऊपर सामने कर देता हूँ कभी। 14 को 5 से करो ये हो जाएगा 80 होता है ना, नहीं 70, अच्छा 14 को माइनस आयोटा से माइनस 14 आयोटा, माइनस 7 को 5 से करो माइनस 35 आयोटा, और माइनस 7 आयोटा और माइनस आयोटा ये हो जाएगा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, 70 माइनस 7 क्या हो जाएगा 63, माइनस 14 माइनस 35 ये हो जाएगा माइनस 49 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 1 26, तो ये आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। चाहो तो इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दो, मतलब इसको लिख दो 63 अपॉन 26 माइनस 49 अपॉन 26 आयोटा, लेकिन ये वैल्यू आपने पुट करनी नहीं होगी इसके अंदर, चाहो तो कर लो पुट, ये आपके पास ओमेगा की वैल्यू है। जो देखो ओमेगा बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये डब्ल्यू को ओमेगा से भी आप रिप्रेजेंट करते हो, डब्ल्यू है खैर ये ओमेगा नहीं है। अब डब्ल्यू की वैल्यू तो आपके पास आ गई है, अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, जेड की निकालनी है। अब आपकी मर्जी, आप या तो इक्वेशन वन में पुट कर दो डब्ल्यू की वैल्यू या इक्वेशन नंबर टू में पुट कर दो।
लेकिन अगर आप देखो इक्वेशन नंबर टू थोड़ी इजी है क्योंकि डब्ल्यू के साथ इतना कोई मुश्किल लिखा हुआ नहीं है, जबकि यहाँ पे डब्ल्यू के साथ पुट करोगे तो मसला ही होगा थोड़ा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू पुट करता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। स्क्रीनशॉट ले लो, जगह मेरे पास नहीं है। पुट द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इन इक्वेशन टू। चाहो तो आप इस तरह वर्डिंग भी लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर टू में पुट करते हैं और आपको z निकालना है ना, तो 3 माइनस आयोटा z माइनस आयोटा, आयोटा के बाद w पुट करना है। देखो तो जहां तक मुझे लगता है w की कौन सी वैल्यू मजा देगी, w में क्योंकि आपको डिवाइड, मुझे लगता है w की ये वाली वैल्यू ज्यादा आपकी कैलकुलेशन थोड़ा इजी करेगी। तो पुट करके देख लेते हैं, ऊपर वाली वैल्यू पुट करते हैं, एलसीएम ब्रेक नहीं करते फिलहाल, ठीक है। ये w की जगह मैंने पुट कर दी यहाँ पे और राइट हैंड साइड पे क्या है, माइनस वन प्लस आयोटा। जरा सॉल्व करते हैं, माइनस आयोटा को जरा मल्टीप्लाई करो, इस माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस को बाहर रखते हैं, आयोटा को मल्टीप्लाई करो, तो ये जब आयोटा माइनस 49 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 49 आयोटा स्क्वायर। जब इस आयोटा को से मल्टीप्लाई करोगे 49 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या था माइनस वन, तो ये वाला माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा जस्ट 49, क्योंकि जब आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ माइनस माइनस पॉजिटिव, यहाँ पे जस्ट 49 बच जाएगा। और जब इस आयोटा को 63 से करोगे तो ये 63 आयोटा हो जाएगा। तो सिंपल लैंग्वेज में 49 प्लस 63 आयोटा आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। मेरे ख्याल में आप इसको एलसीएम ब्रेक करना ही पड़ेगा, तो आप ये वाली वैल्यू पुट कर दो, कोई इशू नहीं है, बाद में एलसीएम ब्रेक करो, इससे बेहतर है पहले ही कर दो आप, ये काम है, ठीक है। अब आप इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को उधर लेके चले जाओ, तो यहां जाके माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा सिंपल। तो इसको उधर लेके जाते हैं, ये हो जाएगा 49 अपॉन 26 प्लस 63 आयोटा अपॉन 26। इसको आपने ऐड करना है माइनस वन प्लस आयोटा में, ठीक है। माइनस था, उधर जाके क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। तो रियल को ऐड करो, 49 अपॉन 26 को ऐड करो माइनस वन के अंदर, 49 अपॉन 26 को माइनस वन के अंदर ऐड करो, तो हो जाएगा माइनस 26। 49 में से जब आप 26 माइनस करोगे तो 23 आएगा, तो ये हो जाएगा 23 अपॉन 26। इसी तरीके से 63 अपॉन 26 को आप ऐड करो 1 के अंदर, 26 को ऐड करो 1 के अंदर, तो 26 को 1 से मल्टीप्लाई करो 26, ऐड करो 63 के अंदर, ये हो जाएगा 89। तो 89 अपॉन 26 आयोटा ये आपके पास आ रहा होगा। और यहाँ पे क्या है 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई जेड, तो z की जरा वैल्यू निकालते हैं। अब देखो आपको यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, आपने डिवाइड करना है इसको इससे, तो जरा कर देते हैं इसको, जरा आप एलसीएम दोबारा सिंप्लीफाई इसको कर दो, 26 है ना ये, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से, इसको आपने डिवाइड करना है किससे, 3 माइनस आयोटा से करना है। इसको सिंप्लीफाई करके इस तरह भी लिख सकते हो, 23 प्लस 89 आयोटा, इस 26 को मल्टीप्लाई कर दो इस कॉम्प्लेक्स नंबर से, इस तरह आप इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे देख लूँ कि वैल्यूज काफी मुश्किल मुश्किल है, कोई गलती तो नहीं, और ये आंसर इसी टाइप के है ना, 1.3 हाँ, 63 माइनस 49 हाँ, डब्ल्यू तो यही आया था, तो इसका मतलब जेड भी सही आ रहा है हमारा। तो इस तरह लिख दो तो थोड़ी आसानी हो जाएगी, कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ गया। वन जब आपने इस फॉर्म में लिख दिया इसको, अब आपने अगेन इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, जो 3 माइनस आयोटा है इसका अगेन आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तो ये क्या हो जाएगा z इक्वल टू 23 प्लस 89 आयोटा डिवाइड बाय 26, 3 माइनस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करो 3 प्लस आयोटा, 3 प्लस आयोटा, इससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया। 23 को 3 से करो, ये क्या हो जाएगा 69, फिर 23 आयोटा, 89 को जब आप 3, 89 जो है ना बहुत बड़ा है, पता नहीं कहाँ से आया है, ये कैलकुलेशन बहुत बड़ी कर रहा है ये, हाँ ऐड हुआ था ना ये, बहरहाल 89 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो 267, और 89 आयोटा किससे करो तो 89 आयोटा स्क्वायर। नीचे क्या होगा, अगेन 26 को अभी छोड़ दो, 3 माइनस आयोटा 3 प्लस आयोटा, अगेन 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो सिंपल 10 हो जाएगा। नीचे ऊपर क्या है 89 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है ना, तो 69 और माइनस 89 ये हो जाएगा सिंपल माइनस 20,
और 23 और 267 ये हो जाएगा 290, और नीचे क्या है 260 मल्टीप्लाई करोगे। अब आप एलसीएम ब्रेक करो, ये हो जाएगा माइनस 20 अपॉन 260, ये हो जाएगा 290 अपॉन 260 आयोटा। अब आपके काम है सिंप्लीफाई करना, 20 260 के टेबल में आता है, 20 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो 13 से तो 260 आता है, तो ये सिंपल हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 13। अच्छा जी, अब इसको जरा कैंसिल करते हैं, ये किस टेबल से जाएगा, तो पहले 2 से कैंसिल करते हैं, 145 अपॉन 130, उसके बाद 3 से कैंसिल हो रहा है, तो ये हो जाएगा 0 को 0 से डिवाइड कर दें, यही आंसर है। 29 अपॉन यही है, मतलब हाँ सही है, अच्छी टेक्निक लगाई है कि इसको डिवाइड कर देते हैं तो 29 अपॉन 26 ही आ जाएगा। इसके बाद तो सिंप्लीफाई नहीं होगा ना ये, हाँ 29 26 का कॉमन फैक्टर नहीं है, सही है, अच्छी टेक्निक है। खत्म हो गया भाई, और ये आपका आंसर आ रहा है। तो पार्ट नंबर 1 आप लोग ट्राई कर लेना, पार्ट नंबर 2 काफी बड़ा था वैसे तो, अगर आप इन इक्वेशन में देखो तो ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है जिनके कोएफिशिएंट जो है वो भी कॉम्प्लेक्स है। तरीका आपने देख लिया, जितने कॉन्सेप्ट आपने अभी तक यूज किए थे कि मल्टीप्लाई किस तरह करना है, ऐड किस तरह करना है, डिवाइड किस तरह करना होता है, सिंप्लीफाई किस तरह करना है, वो आप करोगे, आपके पास जेड और डब्ल्यू की वैल्यू आ गई है। पेपर में हरगिज इस तरह नहीं करना, पेपर में आपने खुला खुला करना है, कंजस्टेड नहीं करना, मेरे पास तो एक ही बोर्ड है इसलिए मेरे पास लिमिटेशन है। अच्छा जी, अब लिखा हुआ कि क्वेश्चन नंबर 2 में राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। अच्छा, पार्ट नंबर 1 हो गए, पार्ट नंबर 3 इनका सेम ही मेथड है, मैं बता देता हूँ जल्दी से कि बहुत छोटे छोटे हैं ये, तो खैर आएंगे भी नहीं पेपर में, पार्ट 1 और पार्ट 3 दोनों सेम ही है, मैं पार्ट चलो 3 करवा देता हूँ। 4z² + 9b² देखो, आपको इसको ना फैक्टर्स बनाना है, फैक्टर्स मतलब जिनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में आप लिखते हो और कुछ एड वैड ना हो रहा हो यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा 2 × 3, ये 6 के दो फैक्टर हैं 2 × 3, लेकिन 7 के फैक्टर 2 आप इस तरह नहीं कर सकते, 7 को आप लिख दो इस तरह, तो आप ये नहीं बोल सकते 2 और 3 फैक्टर है 7 का, नहीं सेंस नहीं बना रही बात। जब तक सिर्फ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखो तब वो चीज फैक्टर होती है। तो आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन लिखी हुई है तो फैक्टर का मतलब आप इस तरह ब्रैकेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, और चाहे दो ब्रैकेट्स हो मतलब दो फैक्टर है या 3 फैक्टर है, आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कैसे कन्वर्ट करोगे इसको, देखो अगर तो दरमियान में माइनस होता तो मैं जस्ट a² - b² लगा देता, a - b, a+b मेरे पास आ जाता, लेकिन दरमियान में माइनस नहीं है। अब आपने क्या करना है, सिंपल आप क्या करो, दरमियान में अपनी तरफ से माइनस लगाओ, और भाई अपनी तरफ से आपने माइनस लगाया है तो यहां पे भी अपनी तरफ से माइनस लगा देता हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये माइनस 1 दोबारा इसे मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव कर देगा, तो कोई चेंजिंग मैंने यहां पे की नहीं है। अच्छा, फायदा मुझे क्या हुआ, फायदा ये हुआ एक तो दरमियान में माइनस आ गया जो मुझे चाहिए था, a² - b² का लगाना है ना, और यहाँ पे माइनस 1 आ रहा है, माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर, आपको पता है आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस 1 के बराबर। तो अब अगर आप ऑब्जर्व करो, मैं इस पे a² - b² का फॉर्मूला आसानी से लगा सकता हूँ, पहले इनको स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करो, 4z को आप कैसे लिख सकते हो, 4z² को आप लिख सकते हो 2z² और 9b² आयोटा स्क्वायर कैसे लिख सकते हो, 3b आयोटा। मेंशन कर देना भाई कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, a² - b² का, ठीक है, तो किसके बराबर हो जाएगा, a + b a - b, तो ये आपने 4z² + 9b² को फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये करना है आपने पार्ट नंबर 1 में भी, पार्ट नंबर 3 का मैंने आपको बता दिया। अब पार्ट नंबर 2, 4, 5, 6, 7 ये एक किस्म के सवाल हैं, इसमें जो मुश्किल वाला है वो पार्ट नंबर 6 हो जाएगा, मे बी 17 आ रहा है उसके अंदर, तो मैं 17 आपको करवा देता हूँ, बाकी लिटरली इसमें कोई खास चीज है ही नहीं, सेम ही काम करना है। तो और मैं पार्ट नंबर 6 में आपको बताता हूँ क्या करना है क्या आपको, ये आपके पास पॉलीनोमियल गिवन है, कंसीडर कर लो इनकी लेफ्ट हैंड साइड गिवन नहीं है, लेकिन पी ऑफ जेड लिखते हैं, जैसे पॉलीनोमियल की नोटेशन क्या होती है आपको याद हो, पी ऑफ एक्स हम लिख रहे होते हैं ना, तो ये पॉलीनोमियल की नोटेशन उन्होंने लिखी भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप लोग कंसीडर कर लो कि लेफ्ट हैंड साइड इनकी पी ऑफ जेड है, मतलब पी जेड इसको हम इस तरह लिखते हैं। ये आपके पास एक पॉलीनोमियल है, क्यूबिक है, आपको क्यूबिक ही दिए जाएंगे, किसी और डिग्री के नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि जो बुक में मेथड डिस्कस हुआ है वो क्यूबिक का ही है,
तो पेपर में अगर ये सवाल आएगा तो क्यूबिक ही आएगा, कुछ और नहीं आ रहा होगा, पहली बात। दूसरी बात, अब आपने इसको फैक्टर बनाना है। यहाँ पे हम यूज करेंगे थ्योरम कहलाता है, जो बुक में आएगा सर उन्होंने यूज किया नहीं है, रैशनल रूट थ्योरम। देखो सबसे पहले अगर आपके पास, जब आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हो, आप लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया होगा, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 3x कर लेते हैं प्लस 2, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो। अच्छा देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे थे, और 2 में हमने फैक्टराइजेशन पढ़ रहे थे, किस तरह आपने फैक्टर फॉर्म में मतलब मल्टीप्लाई ब्रैकेट, इस सिंपल लैंग्वेज में ब्रैकेट फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना होता है इस तरीके से, ये इसको आप ये समझ लो कि फैक्टर फॉर्म कहते हैं, कि आपने एक एक्सप्रेशन को फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसको इस तरह आसानी से समझ लो। तो अगर ये दो टर्म होती थी और इस फॉर्म की हुआ करती थी तो आप आसानी से काम करके कर लिया करते थे। अब दूसरा जो दूसरे किस्म के जो क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के एग्जाम में और जो बुक में भी डिस्कस है, वो क्यूबिक है, कि अगर आपको क्यूबिक गिवन हो तब आप उनको फैक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो मैंने आप लोगों को कल बताना लगा था रैशनल रूट थ्योरम, लेकिन ये बताने से पहले मेरा एक सिंपल सवाल था, जो मैं सवाल कर रहा था उसकी रीजन ये थी कि मुझे पता चले कि आप लोग, क्योंकि मैं मैट्रिक क्लास को नहीं पढ़ा था, मुझे नहीं पता कि क्या क्या पढ़कर आए हो, तो अगर वो चीज़ नहीं पढ़ी होगी तो मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा, अगर पढ़ ली होगी तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो इसलिए ये सवाल एंड पे था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मुझे बताओ जरा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। या ये सॉल्व करना सिखाया हुआ है नहीं? हाँ बोलो। और कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी होता है? नहीं, इसको अगर बिलफर्ड में बोलूं कि सॉल्व करना है आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अलावा, अगर बिलफर्ड, तो मिडिल टर्म ब्रेक करनी आती है सबको? यस सर। जी सर। बस सही, फिर तो परफेक्ट है, फिर तो कोई मसला नहीं है। तो बिलफर्ड अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो मिडिल टर्म ब्रेक क्योंकि आसान होती है इसलिए हम वो काम कर लेते हैं दादा। तो मिडिल टर्म ब्रेक करने का एक प्रोसीजर क्या होता है, दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ, कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, इसका 2 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2 आएगा, तो प्रोडक्ट आपको 2 चाहिए और सम कितना चाहिए 3 चाहिए। तो हमने दो फैक्टर पिक किए, एक 2 और एक 1। मैं अभी वेरिएबल्स की बात नहीं कर रहा, जस्ट कोएफिशिएंट की बात करते हैं। 2 और 1, 2 और 1 का प्रोडक्ट जो है वो 2 के बराबर होता है, और 2 और 1 को ऐड करोगे तो 3 के बराबर आएगा, ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। अब आप एक्स कॉमन लोगे तो इससे x बचेगा और इससे 2 बचेगा, और इसमें से 1 कॉमन ले लो तो ये x प्लस 2 बचेगा, x प्लस 2 दोनों टर्म में कॉमन है तो आप कॉमन ले लो, यहां से बचेगा x, यहां से बचेगा प्लस 1, इसको आप रखो इक्वल टू 0 के बराबर। सबसे पहले मैं यहीं पे चेक कर लेता हूं आप लोगों को कि कॉन्सेप्ट आप लोगों के कैसे हैं, इसके बाद मेरे ख्याल में सब बच्चे को आता है कि हम क्या करते हैं, हम x प्लस 2 को 0 के बराबर रखते हैं, हम x प्लस 1 को 0 के बराबर रखते हैं, आई एम श्योर यही किया होगा आप लोगों ने। तो मेरा एक सवाल है, बस इसका जरा जवाब दे दो, कि अगर आपके पास ये वाली चीज आ जाए तो आप क्या करोगे, मतलब अब भी आप वही काम करोगे या नहीं करोगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, किसी को भी आइडिया है तो बता सकते हैं, वरना मैं बता दूंगा। सोचो इसके ऊपर, राइट हैंड साइड अगर जीरो ना हो तो फिर क्या होगा? नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं, इसको जरा मुझे बताओ, इसकी ये तो काम तो किया होगा ना सबने, कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि हम ऐसा करते क्यों थे, कि हम इस स्टेप के बाद x प्लस 2 को 0 और x प्लस 1 को 0 के बराबर रखते क्यों थे, क्या रीजन थी, क्या मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग थी जिसके तहत हम करते थे? सर इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। बात तो बिल्कुल ठीक है, देखो इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना हमारा अवलीन यहीं से मतलब था, हमने यहीं से कुछ ना कुछ x की वैल्यूज निकालनी है, हमारा मेन गोल सेटिस्फाई करवाना है, लेकिन उसके लिए हमें उन स्टेप्स को लेना पड़ेगा जो मैथ के लिए गलत ना हो, मतलब मैथ के रूल्स को फॉलो कर रहे हो, तो तभी आप ये सब काम करते हुए आ रहे थे। अब बिल्कुल सही बात है, आपको यहाँ पे वैल्यूज निकाल के सेटिस्फाई करवाना है, लेकिन ये जो हम जीरो के बराबर रख रहे हैं क्या ये मैथमेटिकल जस्टिफाई कर रहे हैं, और अगर जस्टिफाई कर रहे हैं तो क्या रूल अप्लाई कर रहे हो जिसके तहत आप इन दोनों को जीरो के बराबर रख रहे हो, और अगर वहां रख सकते हो तो फिर यहां भी रख सकते हो, इसका मतलब यहां पे जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं इसको इस तरह भी कर सकता हूं, लेकिन आप लोगों को इसका जवाब नहीं आया, मैं पहले बता दूं कि इस तरह नहीं हो सकता, जब 2 हो, 0 होगा तब हो सकता है, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो कॉन्सेप्ट होगा ना कि 0 के वक्त करना है और 2 के वक्त करें, शायद 1 को डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 1 को, तो फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x प्लस 1 को डिवाइड कर रहे हैं, चलो लगा लो ये कॉन्सेप्ट, मुझे समझ नहीं आया कि मैं इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे दूं,
अगर हम यहां पे करेंगे तो x प्लस वन से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस टू, कह सकते हो, लेकिन मैं इस वक्त एक्सप्लेनेशन के तैयार नहीं हूँ। कोई और स्टूडेंट बोलना चाह रहा कुछ? ये भी है ना कि ये जो फैक्टर आए, अगर हम इन फैक्टर से जो गिवन इक्वेशन इसको डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर जीरो मिल जाता है। हाँ ये भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं जो अभी दोनों ने बिल्कुल सही, एक ने डिफरेंट अप्रोच पकड़ी है, दूसरे ने रिमाइंडर की पकड़ी है, दोनों के जवाब बिल्कुल ठीक है। मैं जो सुनना चाह रहा हूँ ना वो आप लोग से एक्सप्लेनेशन सुनना चाह रहा हूँ इस चीज की, एक्स प्लस टू को मैं जीरो के बराबर रखूं, एक्स प्लस वन को मैं जीरो के बराबर रखूं। मैंने देखो कुछ भी डिवाइड नहीं किया, जिन स्टूडेंट ने बोले ना कि डिवाइड करेंगे हम, मैंने यहाँ पे कोई डिवीजन परफॉर्म नहीं कर रहा, मैं स्ट्रेट अवे इनको जीरो के बराबर रखता हूँ। और जिन स्टूडेंट ने जवाब दिया रिमाइंडर का, बात आपकी बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस स्टेप से इसमें जाने के लिए मैंने कोई रिमाइंडर या कुछ मैंने डिवीजन की बात ही नहीं की यहाँ पे, मैं तो सिंपल इस स्टेप के बाद यहाँ पे आ रहा हूँ। अच्छा इसकी रीजन सुन लो, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अपनी जगह सही जवाब दिया लेकिन ये रीजन मैं पूछा था कि यहाँ पे आप देखो ऑब्जर्व करो, मैं आप लोगों से सिंपल एक सवाल पूछता हूँ कि दो नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल टू और थ्री है, जब भी आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो कभी भी रिजल्ट जीरो के बराबर नहीं आता। क्या इसका रिजल्ट जीरो के बराबर आ रहा है? नहीं। ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और प्रोडक्ट जीरो आए? आपकी आवाज कट रही है, कोई और बताना चाह रहे हैं? सर जैसे टू मल्टीप्लाई जीरो इज इक्वल टू कोई भी नंबर अगर जीरो से मल्टीप्लाई हो तो जीरो आंसर हाँ, आएगा। सिंपल लैंग्वेज में कि इसमें से कोई एक नंबर जीरो हो या दोनों नंबर जीरो हो तब प्रोडक्ट जीरो के बराबर होगा। भाई या तो थ्री की जगह आप जीरो कर दो, अभी भी प्रोडक्ट जीरो है, या थ्री को रहने दो, टू की जगह जीरो कर दो, अभी भी प्रोडक्ट आपका जीरो होगा। कहने का मतलब यह है कि प्रोडक्ट उसी वक्त जीरो होता है जब कोई एक चीज जीरो हो। अब किसी को यहां पे लेकर आओ, इन दोनों चीजों का प्रोडक्ट क्या है? जीरो के बराबर। तो वही कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे कि भाई अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो के बराबर है तो या तो ये जीरो कर रहा होगा या ये जीरो कर रहा होगा, ऑब्वियसली। तो तभी हम वर्डिंग क्या लिखते हैं, अगर आपको याद हो इसके बाद ना हम एक वर्डिंग लिखते थे आइदर। तो आइदर का मतलब क्या, आइदर लिखते थे इस तरह और इसके आगे लिखते थे हम और, तो इसका मतलब क्या था? तो हम यही तो बताना चाह रहे थे कि आइदर और का मतलब क्या होता है। उर्दू में हम इसको ये बोलेंगे कि इस स्टेप के बाद या तो ये जीरो है या ये जीरो है। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, आइदर ये जीरो के बराबर है और ये जीरो के बराबर है। तो ये कॉन्सेप्ट कब लगता था? जब दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो के बराबर आता था। तो हम ये बात 100% कह सकते थे कि भाई या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। तो हम वो वैल्यूज निकालते थे जिसपे दोनों जीरो हो रहे हैं, ये काम करते थे। ये काम अब यहां पे नहीं कर पाओगे, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। इवन जो मेरे सेकेंड ईयर के बच्चे थे उनसे मैंने पूछा था, उन्होंने गलत किया था, वो कह रहे थे इस तरह करें सर, बहुत मुश्किल, मतलब बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है ये। तो इसमें आप ये काम क्यों नहीं कर सकते? मैंने बोला इसमें आप अलग अलग क्यों नहीं कर सकते, उसकी रीजन ये है कि अगर आप इस तरह अलग अलग करोगे ना, इसका मतलब क्या बनेगा, इसका मतलब बनेगा या तो ये टू के बराबर है या ये टू के बराबर है। जरूरी नहीं है कि अगर किसी दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो के सॉरी टू के बराबर है तो लाजमी उसमें से एक टू होगा। नहीं, ये किसने कहा है कि अगर दो चीजों का प्रोडक्ट है उसमें से कोई एक टू होगा? जरूरी तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फोर को मल्टीप्लाई करता हूं 1/2 से तो प्रोडक्ट टू आ रहा है, इसमें से ना ये टू है ना ये टू है। मैं इनफिनिट पॉसिबिलिटी ऐसी लिख सकता हूं जिसमें दो चीजों का प्रोडक्ट टू के बराबर होगा, जिसमें से ना ये टू के बराबर होगी ना ये टू के बराबर होगी। तो कहने का मतलब अदर देन जीरो आपके पास कुछ भी आ जाए यहाँ पे, तो आप इस तरह इक्वेट नहीं करवा सकते क्योंकि तो इनफिनिट पॉसिबिलिटी है, कितनी चीजों का प्रोडक्ट टू के बराबर हो सकते हैं। लेकिन यहां पे आप कर सकते हो क्योंकि ये बात आपको पता है कि अगर प्रोडक्ट जीरो है इसका मतलब या तो ये जीरो कर रहा है या ये जीरो कर रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों जीरो नहीं है और प्रोडक्ट जीरो के बराबर है। ये मैथमेटिकल रीजन थी जो मैं आप लोगों से इस स्टेप की मांग रहा था। आप लोग मुझे कॉन्सेप्ट बता रहे थे जो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसके बाद ये लिखने की वजह क्या होती थी, ये कॉन्सेप्ट था। और उसके साथ साथ मैंने बता दिया ये भी गलत चीज है, इसको ध्यान में रखना है। बहरहाल अब टॉपिक पे आ जाओ, ये जो आप वैल्यूज निकालोगे यहाँ पे, एक आएगी एक्स की वैल्यू -2, एक आएगी एक्स की वैल्यू -1। अब इस वैल्यूज का मतलब क्या, इन वैल्यूज के दो नाम होते हैं, इसको जीरोस भी कहते हैं हम। जीरोस कहने का मतलब क्या होता है, जीरोस कहने का मतलब ये है कि ये वो वैल्यूज हैं जब आप फंक्शन के अंदर पुट करोगे तो जीरो के बराबर आते हैं। इसमें आप एक्स की जगह पे -2 पुट करो, देखना पूरी लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई जीरोस भी बोला जाता है, या इसको रूट्स भी बोला जाता है। रूट भी बोला जाता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट हैं, एक -2 है एक -1 है। या सॉल्यूशंस भी बोला जाता है, आपको बोले ना सॉल्यूशन मालूम करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का,
तो उसका मतलब यही है कि वो आपसे वैल्यूज पूछ रहा है कि कौन सी वैल्यूज इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जीरो कर रही है, उनको सॉल्यूशन भी हम बोल सकते हैं। तो ये जो आप इस थ्योरम में रूट जो आ रहा है ना, वर्डी में उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि रूट का मतलब क्या है, क्या पूरा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो जब आप यहाँ माइनस टू यहाँ पे पुट करोगे तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। अच्छा दो कॉन्सेप्ट होते हैं अगर आप लोग, अच्छा मैं एक चीज बता दूं, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बच्चों, मैं अपने सेकंड ईयर के बच्चों को तो लाजमी रिकमेंड कर रहा होता हूँ, आज आप लोगों की छठी क्लास है, जरा सुन लो आप लोग भी। ये मोबाइल सबके पास होंगे, या तो किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल होंगे या किसी के पास एप्पल होगा, ठीक है। एक स्टूडेंट है जिसके नाम में भी आ रहे हैं, हाँ अरहम्स आईपैड, तो उसका मतलब उसके पास एप्पल है। तो दोनों पे ये ऐप वैलिड है, आप गूगल प्ले स्टोर से भी कर लो या आप ऐप स्टोर एप्पल की कर लो, दोनों में आप देखोगे ऐप आपको मिल जाएगी। ये ऐप है ग्राफिंग ऐप, बहुत ही बेसिक सी ऐप है, छोटी सी ऐप है, इस पे आप कोई भी कर्व लिखोगे वो उसका ग्राफ बना के आपको दे देगा। जैसे बचपन से आपने मतलब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है ना साइन एक्स, आप उस ऐप में साइन एक्स लिखो, वो साइन एक्स का आपको ग्राफ बना के दे देगा पूरा। तो ये ऐप आप लोगों के मोबाइल में लाजमी होनी चाहिए, इवन ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप सिंपल लिखो गूगल पे डेस्मोस ऑनलाइन कैलकुलेटर, तो वो ग्राफिंग कैलकुलेटर आपके पास पूरा आ जाएगा, आप इक्वेशन पुट करोगे वो ग्राफ आपको बना के दे देगा। तो ये मैथ के बच्चों के पास लाजमी ये ऐप होनी चाहिए, बेसिक सी बिल्कुल ऐप है। तो याद रखो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, ये मैं अभी से इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की बुक में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर ही नहीं है, है ही नहीं इक्वेशन का चैप्टर, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए वरना मैं उस चैप्टर में आपको बताता आके। वो ये है कि दो चीजें होती हैं, आप लोगों ने हमेशा एक ही चीज पढ़ी है, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक कॉन्सेप्ट क्या है कि हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप लोगों के सामने थी, जिसको आपने सॉल्व भी किया है, मतलब सॉल्व करने भी सबको आती है। एक और चीज होती है जिसको आप बोलते हो क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये दो अलग चीजें हैं, मिक्स नहीं करना है इसको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम बोल रहे होते हैं ना, उसमें राइट हैंड साइड पे जीरो आ रहा होता है, मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होती है इक्वल टू जीरो के बराबर होती है, इसको आप क्या बोलते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन, वो क्या होता है कि वहां पे जीरो नहीं आता बल्कि वाई आ रहा होता है। ये जो देखो मैंने जो वाई लिखा है ना, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको इस तरह लिखूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो ये जो चीज है ना इसको आप बोलोगे क्वाड्रेटिक फंक्शन। और अगर मैं y की जगह जीरो लिख दूं तो अब वो बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम जीरो लिखते क्यों हैं, ये सारी रीजन इसके बाद जो है ना ये आप लोग पढ़ोगे आई गेस चैप्टर 8 या चैप्टर 9 है फंक्शन एंड ग्राफ का, तो वहां पे मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा फंक्शन क्या होता है, ग्राफ किस तरीके से करना है, ये वहां के कॉन्सेप्ट है, मैं आप लोगों को वहां पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अभी इतनी जरूरत नहीं है आप लोगों को डिटेल में जाने की, जो मैं बताना चाह रहा हूँ ना उसकी रीजन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। वो ये होता है कि बिलफर्ज रूट का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया, जीरोस का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, सॉल्यूशन आपने देख लिए, अब वक्त आ गया है। अच्छा बिलफर्ज अगर कोई पॉलिनोमियल जो वाई लिखा हुआ है ना, इसको वाई भी लिखते हैं हम या नॉर्मली इस तरह भी लिखा जाता है, नोटेशन होती है ना पी ऑफ एक्स, वेयर पी का मतलब होता है पॉलिनोमियल, पी फॉर पॉलिनोमियल, और एक्स में आप कुछ भी पुट कर रहे होगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक्स की जगह पे यहाँ पे माइनस टू पुट करोगे ना, मतलब p ऑफ माइनस टू, इसका मतलब ये कि जहां जहां x आ रहा है ना वहां पे आप माइनस टू पुट करोगे, तो आप यहाँ पे माइनस टू पुट करके देखना रिजल्ट जीरो के बराबर आ रहा होगा। इसी तरह आप p की जगह माइनस वन पुट करोगे, मतलब x की जगह पे पूरे में पुट करना, देखना रिजल्ट जीरो के बराबर आ रहा होगा। तो जो रूट्स होते हैं ना या सॉल्यूशन आप बोल दो, वो जब आप पुट करते हो ना तो पूरा रिजल्ट क्या होता है जीरो के बराबर। तो डिटेल में हमने सारी बातें देख ली है। अब समझ लो रैशनल रूट थ्योरम क्या होता है, ये आप लोगों की बुक में नाम से तो नहीं लिखा हुआ लेकिन इसका कॉन्सेप्ट लग रहा है सवाल के अंदर, कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ है। रैशनल रूट थ्योरम ये कहता है कि बिलफर्ज अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है और उस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट इंटीजर्स हों, ठीक है, पूरा मैं डिटेल में थ्योरम आप लोगों को नहीं बता रहा, जो काम का है ना तकरीबन वो मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ कि अगर जो कोएफिशिएंट ऑफ इंटीजर्स है और जो पॉलिनोमियल है उसका जो सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन अगर वो इस फॉर्म में है पी अपॉन क्यू, इस फॉर्म में अगर सॉल्यूशन है, तो उन्होंने बात फॉर एग्जांपल मतलब कहना वो चाह रहे हैं कि जो आपके पास सॉल्यूशन आएगा ना वो रैशनल होगा। रैशनल का मतलब मैंने बताया था रैशनल नंबर क्या होते हैं जिनको आप फैक्टर की फॉर्म सॉरी फ्रैक्शन की फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो रैशनल रूट थ्योरम ये कहता है कि अगर एक पॉलिनोमियल है जिसके आपके पास जो रूट्स आ रहे हैं मतलब जो वैल्यूज आ रही हैं वो रैशनल है, मतलब जिनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे अब यहाँ पे देखो माइनस टू अपॉन वन लिख सकते हो ना, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ सकती है ये। तो अब अगर आप इंटरेस्टेड हो फॉर एग्जांपल कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है
अब इस पॉलिनोमियल को निकालना तो काफी इजी होता है, कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो इसके सॉल्व करने के तरीके आप लोगों को पता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लोगे, मिडिलटर्म ब्रेक कर लोगे, ट्रिक्स भी काफी हैं इसकी। लेकिन क्यूबिक इसी तरह फोर्थ डिग्री आ जाए या फाइव डिग्री आ जाए तो उसको सॉल्व करना इजी नहीं होता, कोई ऐसे मेथड नहीं जिनके जरिए से आप उनको सॉल्व करते हो। तो वहां पे आपको ये वैल्यूज मालूम करने का तरीका चाहिए कोई, वरना मैनुअली आप मालूम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए। तो वहां पे हम क्या करते हैं, गेस करते हैं कि यार इसका वैल्यूज क्या हो सकती है, मतलब इसके रूट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो हम गेस करते हैं। अब वो गेस कैसे करेंगे, इतने ज्यादा हमारे पास नंबर्स हैं तो गेस करने का कोई तरीका होना चाहिए ना। तो ये रैशनल रूट थ्योरम आपको गेस करने का तरीका बताता है, आपको ये बताता है कि जो आपके पास सॉल्यूशन आने वाले हैं ना, जो इस फॉर्म में होंगे, ये जो ऊपर वाली चीज है ना पी, ये क्या क्या हो सकता है, मतलब पी की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। उसने बात बोली कि जो आपके पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट है ना, इसके आप फैक्टर्स बनाओ, इसके जितने भी फैक्टर्स हैं वो ऊपर आ सकते हैं यहाँ पे पी की जगह पे। मैं थ्योरम समझाता हूँ, उसके बाद वर्किंग करवाऊंगा, काफी इजी हो जाएगा आपके लिए। कि ये जो आपके पास सॉल्यूशन आ रहा है ना, उसके अंदर अगर आप ऑब्जर्व करो, ये जो यहाँ पे कांस्टेंट है, इसके जितने फैक्टर हैं, अब 17 के फैक्टर्स कौन से हैं, 17 एक प्राइम नंबर है, इसके दो ही फैक्टर हैं, 1 है और 17 है। 17 तो प्राइम नंबर है ना, तो उसके दो ही फैक्टर होंगे। अब पॉजिटिव भी आप कंसिडर कर सकते हो, नेगेटिव भी आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो चार हम बना सकते हैं, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव। तो कहना है वो ये चाह रहा है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो जो भी आपके पास आंसर आएंगे, जो भी वैल्यूज आएंगी, उसमें जो न्यूमरेटर है उसमें या तो 1 होगा या 17 होगा या -1 होगा या -17 होगा। और डिनोमिनेटर की बात करते हैं, डिनोमिनेटर क्या होगा, जो यहाँ पे जेड क्यूब के साथ जो लिखा होता है ना यहाँ पे, उसके फैक्टर आपके पास नीचे आ रहे होंगे। अब अगर जेड क्यूब के साथ 1 लिखा हुआ है तो 1 का तो एक ही फैक्टर है 1, नीचे 1 आ जाए या -1 आ जाए, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जिनमें आपके पास, इसको आप बाय द वे लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हो, ये चीजें आप लोग अपने पास नोट करते जाना, लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, जो मैक्सिमम पावर वाली टर्म होती है ना, उसका जो कोएफिशिएंट है उसको आप लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हो। तो जब लीडिंग कोएफिशिएंट आपका 1 है ना, तो नॉर्मली आपके पास ये वाली चीज हट जाती है, तो आप बस कंसिडर कर रहे होते हो 17 को, और जस्ट आप पी निकालते हो, ये आपका मकसद होता है। और पी निकालने का तरीका क्या होगा, मतलब पी निकालने के लिए गैस आप क्या करोगे, आप जो भी नंबर यहाँ पे लिखा होगा ना, आप गैस करोगे उसके फैक्टर्स, जो फैक्टर्स हैं उसमें से कोई ना कोई आपको एक रूट मिल जाएगा। जैसे ही आपको एक रूट मिल जाए ना, बाकी दो निकालना आपके लिए मुश्किल नहीं है, आपका मकसद है एक रूट निकालना बस। ये मैंने थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब जो वर्किंग है ना, मैं हर पार्ट की वर्किंग करवाऊंगा, एक सवाल में फुल करवाऊंगा, बाकी जो फैक्टर निकालने वाला पार्ट ना, ये मैं सबका करवाऊंगा, ताकि कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो अभी तक अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जब वर्किंग करवाऊंगा तो तब आप लोगों को बताऊंगा कि किस किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। ये सवाल में तो 17 है ना, 17 के फैक्टर्स कम है तो आसानी से आप कर लोगे। ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ जो बुक में लिखी हुई है, फिर बताता हूँ। जैसे बुक में पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है, एक पॉलिनोमियल गिवन है, जेड क्यूब प्लस 3z² प्लस जेड -5। अब आपको इसका एक रूट चाहिए। अच्छा, बुक में पी ऑफ जेड नहीं लिखा हुआ, मैंने अपनी आसानी के लिए डाला हुआ समझाने के लिए। आपको इसका एक रूट चाहिए वंस, अगर वैसे एक इस असूल को याद रखो कि अगर आपकी इक्वेशन में पावर 3 है ना, जो मैक्सिमम पावर होती है उसको आप डिग्री कहते हो बाय द वे। अब अगेन ये वही बातें थी सारी इक्वेशन से रिलेटेड, वो चैप्टर है नहीं तो इससे बता रहा हूँ। इसकी 3 डिग्री है ना, 3 पावर है मैक्सिमम, तो इसको हम बोलेंगे थर्ड डिग्री इक्वेशन, मतलब इसकी डिग्री बोली जाएगी, इसकी डिग्री 3 है, मैक्सिमम पावर जो होती है उसको आप डिग्री कहते हो। तो जितनी पावर होती है ना उतने आंसर आते हैं। अगर यहाँ पे पावर 3 है तो 3 वैल्यूज आएंगी, जैसे यहाँ पे पावर 2 थी तो कितनी आई थी, 2 वैल्यूज, यहाँ पे पावर 3 है तो 3 वैल्यूज आएंगी, अगर पावर 4 होगी तो 4 वैल्यूज आएंगी, पावर 5 होगी तो 5 आएंगी। अब ये डिपेंड करता है, कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें डिग्री, मतलब पावर तो 4 है लेकिन आंसर में भी आपके पास 2 आ रहे हो, लेकिन वो जो 2 आंसर होंगे वो रियल होंगे, बाकी 2 जो है वो कॉम्प्लेक्स हो रहे होंगे। तो होंगे 4 ही, लेकिन कभी आप ये देखोगे कि आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन है ये वाली, x³ - 1 = 0। अब पावर कितनी है, 3, आंसर कितने आने चाहिए, 3। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे ना एक और तरीके से, एक और तरीका क्या है कि आप इसको इस तरह लिखो, इस 3 को हटाने के लिए आप दोनों तरफ क्यूब रूट लो, तो दोनों तरफ जब आप क्यूब रूट लोगे तो ये x बच जाएगा और 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है, तो दिखने में आपको लगेगा यहाँ पे एक आंसर आ रहा है, लेकिन आंसर एक नहीं है, बाकी 2 जो है वो कॉम्प्लेक्स है। तो जितनी डिग्री होती है उतने ही आंसर आ रहे होते हैं इसके, तो इस असूल को भी याद रखना।
ये तो मेरे ख्याल में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजबरा कहलाता है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजबरा है शायद ये, या वो शायद कुछ और हो, एक मेरे जहन में आ रहा है, लेकिन ये थ्योरम होता है कि जितनी डिग्री है उतनी पावर्स होती है। बहरहाल तो अब मुझे इसका किसी तरह एक रूट पता चल जाए, मैं बाकी दो आसानी से निकाल लूंगा, मैं आप लोगों को समझा दूंगा कैसे निकालना। अब एक रूट निकालने के लिए क्या करो, देखो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट तो 1 है, तो डिनोमिनेटर का तो यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। आप क्या करो, बस आप इस कॉन्स्टेंट टर्म को देखो, क्या लिखी हुई है, 5। 5 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, 5 का एक फैक्टर 1 होता है, 5 का एक वेक्टर 5 होता है, मतलब 5 को लिखने का एक ही तरीका है ना, 1 × 5। तो एक फैक्टर 1 है और एक फैक्टर 5 है, तो आप नेगेटिव भी अगर कंसीडर करो तो 4 फैक्टर बन जाएंगे, 1 − 1 5 और −5, इन्हीं में से आपके रूट आएंगे। अब जरा मालूम करते हैं, कभी होता है ना आपकी इक्वेशन में जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं, अगर तो रैशनल रूट होंगे तब उसके लिए मेथड अप्लाई होगा ना, अगर रूट ही कॉम्प्लेक्स हो गए तो फिर तो ये मेथड नहीं लगेगा ना। लेकिन अगर इसकी क्यूब है तो मैंने, अगर आप लोगों को याद हो या ना याद हो, अगर मैंने कभी नहीं बताया तो अभी सुन लो, कि जो कॉम्प्लेक्स आते हैं ना, कॉम्प्लेक्स मतलब a + b i की फॉर्म में, ये हमेशा पेयर की फॉर्म में आते हैं। अगर आपके पास इक्वेशन की डिग्री 3 है ना तो 3 आंसर आएंगे, लेकिन वो 3 आंसर कौन कौन से होंगे, पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो तीनों आंसर रियल होंगे, मतलब सिर्फ रियल है, या एक रियल होगा बाकी दो जो है वो कॉम्प्लेक्स होंगे। कॉम्प्लेक्स का मतलब वो a + b i की फॉर्म में होंगे। तो कहने का मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि 3 कॉम्प्लेक्स हो, नहीं, कॉम्प्लेक्स जो है वो हमेशा पेयर की फॉर्म में आते हैं, 2 आएंगे, 4 आएंगे, 6 आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि 3 हो जाएंगे, ये सेंस नहीं बनाती बात, ठीक है। तो अगर ये क्यूबिक है ना तो दो पॉसिबिलिटी, या तो तीनों रियल होंगे या एक रियल दो कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है। तो हमें दोनों सिचुएशन में एक तो रियल है ना, इसमें भी एक, इसमें तो खैर 3 रियल है और इसमें एक रियल है, दोनों सिचुएशन में एक रियल तो है ना, आपको वो किसी तरह एक रियल पता चल जाए, आप बाकी दो निकाल लोगे, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। अब आपको पता है वो एक रियल इन्हीं में से है, ढूंढ लेते हैं, पुट करके देख लो, आप देख लो जो सेटिस्फाई कर रहा है। आप सबसे पहले 1 यहाँ पे पुट करके देखो, 1 का क्यूब 1, यहाँ पे 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर 1, 3 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 1 पुट करो, 1 यहाँ पे तो कॉन्स्टेंट है, ये पूरी चीज 5 है, ये है -5, आपस में कैंसिल, रिजल्ट 0 के बराबर आ रहा है। तो मसला आपका हल, आपको ये वैल्यू मिल गई जो इस इक्वेशन को क्या कर रही है, इस फंक्शन को क्या कर रही है, 0 कर रही है। इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू रूट है, बाकी आप पुट करके देख लेना, इस सिचुएशन में नहीं आ रही होगी आई गेस, क्योंकि शायद इसके बाकी दो कॉम्प्लेक्स होंगे। -1 आप पुट करोगे ना, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ है -1 पुट, हाँ ये तो नहीं हो रहा। 5 अगर पुट करोगे, 125 75 हाँ सेंस नहीं बना रही वो, तो इसका मतलब ये एक ही सिचुएशन है, बाकी दो कॉम्प्लेक्स आ रहे होंगे इसके। तो बच्चों आप लोगों ने सीख लिया यहाँ पे क्या करना है, जो कांस्टेंट है उसके फैक्टर बनाने, जो फैक्टर आएंगे उन्हीं में से आपको कोई एक रूट मिल जाएगा। जो आप लोगों की बुक में क्यूबिक डिस्कस है ना उसमें ऐसे ही कर रहे होते हो, बाकी हर सवालों में ऑब्वियसली जहां पे फिर लीडिंग कोएफिशिएंट आ जाए या जहां पे रियल हो तो उसमें और भी बन सकते हैं, बाकी सिचुएशन हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन जो बुक में लिखा हुआ उन सिचुएशन में आपने क्या करना है, जो कॉन्स्टेंट है फैक्टर बनाने, पुट करके देखना है, जो सेटिस्फाई कर रहा होगा मसला आपका हल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे की वर्किंग क्या होगी वो मैं एक सवाल में करवा दूंगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। अब जरा मैं कोई और एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आप लोगों को, ये पार्ट नंबर 2 था बाय द वे, क्वेश्चन नंबर 2 का। फॉर एग्जाम्पल पार्ट नंबर 6 तो मैं करवा रहा हूँ ना, पार्ट नंबर 4 देख लो, 4 में क्या लिखा हुआ है, z³ + 3z² + 4z + 2। तो पार्ट 4 में है z³, पार्ट 5 में सॉरी, +19z - 13। अच्छा जी, और आखिरी पार्ट में है z³ - 3z² + 4z - 2। सब कहीं मैं बता दूंगा ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब अगर आप इसकी बात करो, कॉन्स्टेंट क्या है, 2 है यहाँ पे, लीडिंग कोफिशिएंट सबके 1 है क्योंकि आपको आसान केस दिया है बुक में, तो 2 के फैक्टर क्या होंगे, 2 का एक फैक्टर 1 है, 2 का एक फैक्टर 2 है, 2 एक प्राइम नंबर है ना, तो 2 ही फैक्टर है, और नेगेटिव भी आप डिस्कस कर लो, प्लस माइनस में लिख रहा हूँ, मतलब +1 − 1 और +2 − 2, कोई 4 में से कोई एक हो सकता है, जरा देखते हैं, पुट करके देखो। सबसे इजी केस होता है 1 और −1 आप पुट करो, तो 1 जब मैं पुट करूंगा ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1, यहाँ पे 1 पुट करूंगा, 1 × 3 3 यहाँ पे। अच्छा मुझे दिखने में लग रहा है कि यार 1 सेटिस्फाई नहीं कर सकता, 1 से आंसर 0 नहीं आएगा, क्यों, सारी टर्म ही पॉजिटिव है, तो जब आप एक पॉजिटिव नंबर पुट करोगे तो सभी टर्म पॉजिटिव होंगे, तो 0 कौन करेगा, 0 तो उस वक्त होगा ना जब कुछ नेगेटिव भी दरमियान में आ जाए, तो
तो वैसे सेंस बना रहा है कि वन सेटिस्फाई नहीं कर सकता, माइनस वन पुट करते हैं, माइनस वन का क्यूब माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर वन होगा, वन को थ्री से करो थ्री, माइनस वन को फोर से करो माइनस फोर, और ये प्लस टू अपनी जगह पे, थ्री और प्लस टू ये हो जाएगा फाइव, माइनस वन और माइनस फोर ये हो जाएगा माइनस फाइव, जीरो आ गया। इसका मतलब ये है कि इस वाले सॉल्यूशन में माइनस वन जो है वो इसका एक रूट है, तो एक मिल गया, बाकी दो के तरीके बता दूंगा। अब इस पे आ जाओ, दो फैक्टर है, थर्टीन प्राइम नंबर है, वन और थर्टीन, मतलब प्लस माइनस आप कंसिडर कर लो। अगेन इसमें अगर आप वन पुट करोगे वन हो जाएगा, ये माइनस सेवन हो जाएगा, तो वन माइनस सेवन माइनस सिक्स, यहाँ पे वन पुट करो प्लस नाइनटीन, तो ये हो जाएगा थर्टीन, थर्टीन और माइनस थर्टीन खत्म। तो मतलब आप वन पुट करोगे सवाल में तो आपको एक रूट मिल जाएगा, रिजल्ट पूरा जीरो के बराबर आ रहा है। और अगेन इसके अंदर वही वन माइनस वन टू और माइनस टू, तो वन पुट करो वन माइनस थ्री माइनस टू, माइनस टू प्लस टू टू, टू माइनस टू जीरो, हाँ वन पुट करोगे ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसमें भी वन एक रूट मिल गया, इसमें आपको वन मिल गया रूट, इसमें आपको माइनस वन मिल गया, और इस वाले में पता नहीं क्या मिला था आपको, वन ही मिला था शायद, हाँ इसमें वन मिला था। तो ये सारे पार्ट है, इनको आप लोग खुद ट्राई करना, इसमें मैंने आप लोगों की हेल्प क्या की है, एक रूट आपको दे दी है। अब एक रूट से दो कैसे निकालोगे उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। कोई सवाल है अब तो अब आप लोग पूछ सकते हो, पूरा टॉपिक ले रहा है यहाँ पे। देखो टॉपिक इतने ईजी नहीं होते, अगर आप ऊपर ऊपर समझाओगे तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि इक्वेशन का पोर्शन नहीं है तो हर चीज क्लियर करवानी पड़ती है। अब अगर आप इस सवाल पे आ जाओ, अगेन वही बात, इसका एक रूट तो हम निकाल लेंगे गैस करके, बाकी निकालने के लिए आपको एक और मेथड यूज करना पड़ेगा, देखते हैं जरा उसको भी। तो सबसे पहले सॉल्यूशन पे आओ, और वर्किंग क्या होगी अगर आप देखो ना, तो ये सवाल टॉपिक जो है ये बुक में ये मेंशन हुआ है, पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 20 पे उन्होंने बकायदा मेंशन किया हुआ है, सारी वैल्यूज पुट की हैं, जो वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही है तो उन्होंने बोला है कि वो चीज, फिर मैं आगे बोलता हूँ क्या बोला था। तो आप क्या करो, सबसे पहले आप लिखो फैक्टर्स ऑफ 17 आर प्लस माइनस वन और प्लस माइनस 17, कि भाई 17 एक प्राइम नंबर है, दो ही फैक्टर है, अगर आप नेगेटिव कंसिडर करो तो चार हो जाएंगे, ये सारे फैक्टर हैं। अब इन्हीं में से आपको पुट करना है, सबसे पहले हम वन पुट करते हैं। तो इस पॉलिनोमियल में आप अपनी तरफ से पी ऑफ जेड लिख लो, नोटेशन थोड़ी अच्छी लगेगी, आप यहाँ पे वन पुट करो इधर, तो जाएगा वन का क्यूब, ये हो जाएगा वन का स्क्वायर, आपको देखने में लग रहा है वन सेटिस्फाई करेगा नहीं। अच्छा आपको जरूरी नहीं कि सारे आपने वर्किंग शो करके दिखानी है, आपकी मर्जी, अगर आपको रफ वर्क पे आपने देख लिया कि कोई एक सेटिस्फाई कर रहा है तो डायरेक्ट आप पुट करके दिखा दो कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, सब पुट करने की आपको जरूरत नहीं। अब जैसे अगर आप इसमें देखो तो रिजल्ट जीरो के बराबर नहीं आएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सब पॉजिटिव है तो जीरो के बराबर कैसे आएगा, छोड़ दो इसको। फिर दूसरा क्या है, माइनस वन, तो पुट करते हैं माइनस वन का क्यूब माइनस वन का स्क्वायर, 19 में माइनस वन पुट करो प्लस 17, तो ये हो जाएगा माइनस वन, ये हो जाएगा थ्री, माइनस वन और थ्री क्या होता है टू के बराबर, टू और माइनस 19 माइनस 17, माइनस 17 प्लस 17 जीरो के बराबर, तो ये आप क्या दोगे भाई जीरो के बराबर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि z इज इक्वल टू माइनस वन, ये जो z की वैल्यू है ना माइनस वन इज अ रूट, तो इसको आप क्या बोलोगे, ये रूट है। तो रूट की कहानी तो आपने समझ ली है, अब जरा एक और बात समझो मेरी, अगर आप लोगों को याद हो भी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल दी थी, उसमें इसके बाद हमने क्या किया था, वैल्यूज निकाली थी, तो इन वैल्यूज को मैंने क्या बोला था, रूट बोला था, कि माइनस टू भी रूट है माइनस वन भी रूट है। तो याद रखो अगर आप ऐसी वैल्यूज जिनको आप रूट बोलते हो, इसका मतलब क्या है कि जब आप फंक्शन के अंदर पुट करोगे तो रिजल्ट जीरो के बराबर आएगा, उन वैल्यूज को आप क्या बोलते हो, रूट बोलते हो। तो अगर माइनस टू और माइनस वन रूट है ना, तो फिर एक्स प्लस टू और एक्स प्लस वन ये क्या कहलाए जाएंगे, फैक्टर, ठीक है। अगर x माइनस टू और माइनस वन अगर ये रूट है तो फिर x प्लस टू और x प्लस वन क्या कहलाए जाएंगे, फैक्टर्स, ठीक है। बस क्या करना है, माइनस टू को उधर ले जाओ तो x प्लस टू, माइनस वन को उधर ले जाओ तो x प्लस वन, तो x प्लस टू x प्लस वन क्या कहलाए जाएंगे, फैक्टर। तो ये चीज मैं यहाँ पे लिखने लगा हूं कि z इज इक्वल टू माइनस वन रूट है, और माइनस वन को इधर ले आओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो z प्लस वन इज अ फैक्टर। तो एक फैक्टर तो आपको मिल गया, आपको पता है यहाँ पे क्यूबिक है मतलब डिग्री इसकी थ्री है, तो तीन फैक्टर होंगे इसके, जैसे क्वाड्रेटिक में दो होते हैं ना, तो क्यूबिक में तीन होंगे इस तरीके से। तो एक तो आपको मिल गया z प्लस वन, बाकी दो आपने निकालने, जैसे ही आपके बाकी दो आ गए
तो आप अब इस पूरे पॉलिनोमियल को फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। बेसिकली मकसद तो आपका यही है ना कि फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो एक तो फैक्टर आपके पास आ गया। अब ये वर्किंग जो है ये मैंने आप लोगों को हर सवाल की बता दी है। अब इसके बाद क्या करेंगे जरा उसको देख लो। अब देखो इसके बाद हम ये क्या करेंगे कि हमें इसको मैं कैसे बताऊंगा वालों को, तो इस तरह समझो कि बिलफर्ज अगर आपके पास, देखो इजी एग्जांपल लेट करते हैं, अगर आपके पास लिखा हो कि इसको इस तरह समझो कि बिलफर्ड अगर सिक्स है ना, आपको पता है सिक्स के दो फैक्टर कौन कौन से हैं, टू और थ्री, मतलब सिक्स और वन भी होता है लेकिन टू और थ्री की बात करते हैं। मुझे पता है फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लो मुझे सिक्स के फैक्टर निकालने, सवाल दिया गया है कि सिक्स के फैक्टर निकालो और मुझे किसी तरह पता चल जाता है कि सिक्स का एक फैक्टर टू है, मुझे किसी तरह पता चल जाता है कि सिक्स का एक फैक्टर क्या है, टू है, तो जो फैक्टर मेरे पास आया है ना मैं उससे सिक्स को डिवाइड कर दूंगा और जो मेरे पास आंसर होगा वो दूसरा फैक्टर हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में इस तरह समझो कि बिलफर्ज अगर मुझे बोला जाए कि यार आपने सिक्स के फैक्टर निकालने, सिक्स को आप के फैक्टर निकालने और मुझे किसी तरह एक फैक्टर पता चल जाए टू, तो मैं क्या करूंगा उस सिक्स को टू से डिवाइड करूंगा और मुझे दूसरा फैक्टर मिल जाएगा। ये वही बात है कि बिलफर्ज अगर मुझे बोला जाए सिक्स के फैक्टर निकालो और मुझे पता चला सिक्स का एक फैक्टर वन है, तो मैं क्या करूंगा सिक्स को वन से डिवाइड करूंगा और मेरे पास दूसरा फैक्टर आ जाएगा सिक्स। ठीक है, तो दूसरा फैक्टर निकालने के लिए ये काम जरा देखो हम क्या कर रहे हैं, सेम काम आपने यही करना है। ये पॉलिनोमियल है ना पी ऑफ जेड, इस पी ऑफ जेड का मुझे एक फैक्टर पता चल गया जेड प्लस वन, तो मैं क्या करूंगा मैं इसको डिवाइड करूंगा जेड प्लस वन से और जो रिजल्ट आएगा ना वो इसका दूसरा फैक्टर हो जाएगा। यहां तक मुझे बताओ कॉन्सेप्ट समझ आया सबको? जी सर। यस सर। परफेक्ट, तो अब हमारा काम क्या है डिवाइड करना। ठीक है, मैं एक सब ऑर्डर वाइज लेके जा रहा हूं ताकि आप लोगों को ना कंप्लीट गेम जो है वो समझ आ जाए कि कर क्या रहे। तो हम इस स्टेज पे पहुंच गए कि अब हमें डिवीजन आनी चाहिए, जैसे हम डिवीजन आ जाएगी हम दूसरा फैक्टर निकाल लेंगे, मसला हमारा हल हो जाएगा और आपको दूसरा फैक्टर ही निकालना है क्योंकि वो जो दूसरा फैक्टर आएगा ना उससे आप उसको तोड़ के बाकी दो में कन्वर्ट कर लोगे, मतलब जो दूसरा आया है ना उसको आप तोड़ के दो में कन्वर्ट कर लोगे तो टोटल तीन आपके पास आ जाएंगे। सही है, तो अब डिवाइड किस तरीके से करना है। अब आप लोगों की बुक पे ना डिवीजन ज्यादातर हम दो कर रहे होते हैं जो काम की है, एक होती है लॉन्ग डिवीजन मेथड जो बचपन में आप लोग करते थे इस तरह करके पूरा, इसको हम कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, और दूसरी डिवीजन होती है जिसको आप कहते हो सिंथेटिक डिवीजन। अब देखो आप लोगों की बुक में लॉन्ग डिवीजन मेथड डिस्कस की भी नहीं है, उन्होंने मुझे एग्जाम्पल में किसी में भी नहीं मिली कि उन्होंने लॉन्ग डिवीजन मेथड किया हुआ, तो इसलिए मैं रिकमेंड आप लोगों को यही करूंगा कि आप लोग भी लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज ना करो। रिकमेंड मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक जो बुक में मेथड डिस्कस हुआ है कोशिश करो उसी मेथड को फॉलो करो, कोई और मेथड करोगे कोई ऑब्जेक्शन उठा दे तो वो मजा नहीं आएगा, तो ये वाला मेथड अब नहीं करेंगे। हम जो डिवाइड करेंगे ना वो इससे इजी मेथड है जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन। अब ये कैसे होती है जरा हम देख लेते हैं। आपको क्या करना है, अच्छा करना क्या आपको, आपको अब करना है डिवाइड पी जेड बाई जेड प्लस वन। असल आपका गोल क्या है कि आपने ये जो पॉलिनोमियल गिवन था इसको आपने डिवाइड करना है जेड प्लस वन से, ये आपका गोल है। तो अब इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अब इस सिंथेटिक डिवीजन किस तरीके से परफॉर्म होती है जरा देख लो। सिंथेटिक डिवीजन में आपको क्या बनाना पड़ता है, पहले सबसे पहले इस तरह बनाओ फिर एक लाइन इस तरह बनाओ, तो ये दो काम करने हैं आपको। अब परफॉर्म किस तरीके से करोगे, जिस पॉलिनोमियल को आपने डिवाइड करना है ना उस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स लिखोगे आप, और अगर कोई टर्म मिसिंग है तो उसका कोफिशिएंट जीरो करोगे। क्या मतलब, अगर आप देखो तो एक क्यूबिक है, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसके अंदर चार टर्म होती हैं, एक क्यूबिक, एक स्क्वायर वाली, एक लीनियर मतलब पावर वन वाली और एक कॉन्स्टेंट, चार टर्म होती है। अगर पावर फोर होती है तो पांच टर्म होती है। ठीक है, तो अगर कोई टर्म मिसिंग है फॉर एग्जाम्पल जेड क्यूब प्लस थ्री जेड स्क्वायर और ये मिसिंग हो 17 लिखा हुआ हो बस, उसका मतलब जो मिसिंग होगी ना उसका कोफिशिएंट आप जीरो रखोगे। इन सवालों में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप लोगों को इसी टाइप के सवाल मिलेंगे जिनमें चार की चार टर्म हो, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि अगर कोई टर्म मिसिंग है तो आपने उसकी जगह कोफिशिएंट उसका जीरो लिखना होगा। ठीक है, जरा कोफिशिएंट कॉपी करते हैं, इसका कोफिशिएंट वन है, इसका थ्री है, इसका 19 और ये 17, तो वन थ्री
19, 17, कोफिशिएंट उतार दिए भाई। यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे रूट। तो जेड प्लस वन फैक्टर था तो रूट क्या था, माइनस वन रूट था, तो हम यहां पे लिखेंगे माइनस वन। ठीक है, अब डिवीजन परफॉर्म करते हैं। जो पहला नंबर है ना, इसको एज इट इज आप उतार दो नीचे, एज इट इज कॉपी कर दिया। उसके बाद अच्छा पहले मुझे बताओ, ये मेथड किसी ने पहले से समझा हुआ है, मतलब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ पहले से? जी सर, पढ़ा हुआ है। मैं भी इतना टाइम जाया कर रहा हूँ, चलो फिर भी देख लेते हैं। अच्छा खैर, माइनस वन को आप मल्टीप्लाई करो वन से, तो माइनस वन को वन से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा माइनस वन। थ्री और माइनस वन को ऐड करो टू, फिर माइनस वन को टू से मल्टीप्लाई करो, माइनस वन को टू से तो माइनस टू हो जाएगा, 19 माइनस 2 17। फिर माइनस वन को 17 से मल्टीप्लाई करो, -17, और रिजल्ट आ जाएगा 0। रिजल्ट लाजमी 0 आना चाहिए क्योंकि माइनस वन रूट है ना, तो लाजमी 0 आएगा। ठीक है, जब ये आ जाए, अब इसके बाद क्या करते हैं? जो स्टूडेंट कह रहे हैं हमने पढ़ा हुआ है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? चलो शायद याद ना हो, तो इसके बाद ही होगा सिंपल कि जो जिस पॉलिनोमियल को आपने डिवाइड किया है ना, फॉर एग्जाम्पल पॉलिनोमियल क्या था, जेड क्यूब प्लस 3z² प्लस 19z प्लस 17, इसको आपने डिवाइड किया था किससे, जेड प्लस वन से, तो रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट ये आया है 1, 2 और 17। इसको लिखने का तरीका क्या है, 17 कॉन्स्टेंट है, 2 जो है वो x के साथ लिखा हुआ है, और ये जो 1 है ये x² है। तो कहने का मतलब ये कोफिशिएंट है सारे 17, 2 और 1। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि जब मैं इस पूरे पॉलीनोमियल को इसे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ये चीज आएगी, जिसको मैं किस तरह लिख सकता हूं, जेड प्लस वन इस पूरे जेड प्लस वन को उधर जाके मल्टीप्लाई करवा दो, सॉरी एक्स नहीं आएगा, जेड यूज करेंगे क्योंकि वेरिएबल जेड है ना यहाँ पे, तो ये जेड प्लस वन उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वहां पे क्या है, जेड प्लस वन और z² प्लस 2z प्लस 17, इस स्टेज पे हम आ गए। लेकिन आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ, बेशक आपने फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया, लेकिन इसको मजीद आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो आप वो सिंप्लीफिकेशन आपने करनी है। लेकिन सिंथेटिक डिवीजन का काम यहाँ पे खत्म हो गया, आपने फैक्टर फॉर्म में तो कन्वर्ट कर लिया, लेकिन इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप सिंपल एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करोगे, क्योंकि मिडिल टर्म ब्रेक पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप यूज करोगे यहाँ पे, तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक यूज किस पे करना है, z² + 2z + 17 इस पे यूज करना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको कहता है सबसे पहले माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक का, ये एक मेरा लाइट आ गई है तो मैं जनरेटर ऑफ कर रहा हूँ, एक सेकेंड। अच्छा जी, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, -b + -b² - 4ac/2 है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो जरा पुट कर दो आप, बी क्या है यहाँ पे, जेड का कोफिशिएंट मतलब 2, +-√b² 2 का स्क्वायर 4, -4ac, ए यहाँ पे 1 है, सी यहाँ पे 17 है, डिवाइडेड बाय 2a, ए यहाँ पे अगेन 1 है, तो जस्ट 2 हो जाएगा ये। तो मजीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये हो जाएगा -2 + -4 को 17 से मल्टीप्लाई करो, 68 आएगा, तो 4 - 68 ये हो जाएगा -64। तो नेक्स्ट स्टेप में चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, -64, और नीचे क्या है, 2 है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो भाई, देखो 64 का रूट जो है वो 8 होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब माइनस आ जाए तो इसकी जगह आपको लिखना होता है आयोटा, और 64 का रूट क्या है, 8, तो ये हो जाएगा सिंपल 8 आयोटा। तो जरा ऊपर से -2 कॉमन लेते हैं हम, बल्कि 2 कॉमन ले लो, सिंपल 2 कॉमन ले लेते हैं, तो पहली टर्म से क्या बचेगा, -1, दूसरी टर्म से बचेगा 4 आयोटा, और ये वाला नीचे 2 है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट आएगा -1 + -4 आयोटा। तो जेड की 2 वैल्यूज आ गई हैं, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आए, एक है -1 + 4 आयोटा, एक है -1 - 4 आयोटा। ठीक है, तो अब वक्त आ गया इसको फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने का, आप किस तरह कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं मैं, तो हेंस पॉलिनोमियल था z³ + 3z² + 19z + 17, तो किसके बराबर होगा, सबसे पहला फैक्टर है, दूसरा फैक्टर क्या होगा,
देखो यहाँ पे दो वैल्यूज है, एक है माइनस वन प्लस फोर आयोटा, मतलब इस तरह लिखते हैं जेड इज इक्वल टू माइनस वन प्लस फोर आयोटा, एक ही वैल्यूज है ना। तो अगर आप इसको फैक्टर फॉर्म में लाना चाह रहे हो, इस माइनस वन को अगर आप इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इसको इधर लाओगे तो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जेड प्लस वन माइनस फोर आयोटा, इस तरह लिखो जेड प्लस वन माइनस फोर आयोटा। और दूसरी वैल्यू क्या है, माइनस वन माइनस फोर आयोटा। ठीक है, तो जब आप इसको इधर लाओगे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, जेड प्लस वन प्लस फोर आयोटा। तो बच्चों सवाल आपका कंप्लीट, आपने इस पॉलिनोमियल को फैक्टर फॉर्म में कंप्लीट कर दिया, तीन फैक्टर आएंगे वो तीनों फैक्टर आप लिख दिए। कोई सवाल है तो यहाँ तक पूछ लो। अच्छा आखिरी टॉपिक है वो लिखा हुआ, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर वेयर जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कि यहाँ पे जो आपके पास जेड आएगा ना इन सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो कॉम्प्लेक्स ही होगा। नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जरूरी नहीं कि आपके पास कॉम्प्लेक्स आते हैं, रियल भी आते हैं, लेकिन ये जो इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है इसमें सारे कॉम्प्लेक्स ही आ रहे होंगे। तो कौन सा वाला पार्ट पिक करें, सब में तकरीबन सेम ही प्रोसेस है। हाँ पार्ट नंबर थ्री में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, आप देख लेते हैं, बाकी सब में तो सेम ही है। तो पार्ट नंबर थ्री में आप लोगों को करवा देता हूँ ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कंप्लीटिंग स्क्वायर किस तरह होता है। पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट नंबर थ्री, 34z² माइनस 6z। बुक में इस तरह लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं इस तरह लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कंप्लीट स्टेप समझा दूं किस तरीके से आप करते हो। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने कंप्यूटिंग स्क्वायर के जरिए से सॉल्व करना होता है ना, तो सबसे पहला और प्राइमरी स्टेप क्या होता है कि पूरी इक्वेशन को आपने 34 से डिवाइड कर देना। मतलब आपका जो जेड स्क्वायर है ना इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसके साथ 34 आपको नहीं चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय, डिवाइड सर लिखो आप, डिवाइड बोथ साइड बाय 34। आपको क्या करना पड़ेगा, 34 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करते हैं 34 से, 34 से डिवाइड करोगे यहाँ पे जेड स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 34 आ जाएगा और यहाँ पे 1 के नीचे 34 आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, 6/34 अगर आप 2 से कैंसिल करो ना तो ये हो जाएगा 3/17, तो 3/17 जेड। और दूसरा स्टेप क्या होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, कॉन्स्टेंट आपका राइट हैंड साइड पे, जरा इसको राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, ये दो स्टेप तो आपने देख लिया। अब तीसरा स्टेप ये होता है कि जो आपका z है, मतलब एक तो स्क्वायर वाली टर्म होगी और एक ये पावर वन वाली टर्म होती है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, इसका कोएफिशिएंट है -3/17। आपने क्या करना है, इस -3/17 को 2 से डिवाइड करना है, जो कोएफिशिएंट होता है z का उसको आपने डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, तो जब आप -3/17 को डिवाइड करोगे ना तो ये 17 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा -3/34। ठीक है, वंस आप मालूम कर लो कि 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, आपने मालूम कर लिया -3/34 आएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, आप इस -3/34 का स्क्वायर लोगे, यहां पे भी ऐड करवा दोगे और इक्वेशन के दूसरी तरफ भी आप ऐड करवा दोगे। आप लगाओगे सर -3/34 की क्या जरूरत है, माइनस लिखो या पॉजिटिव लिखो, बात तो एक ही है, स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, लेकिन इसकी रीजन समझ आएगी कि मैं माइनस भी क्यों लिखना चाह रहा हूं। मतलब नॉर्मली बताया जाता है कि 3/17 को डिवाइड करो, ठीक है, क्योंकि माइनस का रोल है नहीं, लेकिन माइनस का रोल बाद में काम करेगा आपको, इसलिए मैंने माइनस भी लिखवाया। तो मैंने बोला जेड के साथ जो भी चीज लिखी हुई होगी ना उसको 2 से डिवाइड करना, जो आंसर आए उसका स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड करवाना, उसका स्क्वायर राइट हैंड साइड पे भी ऐड करवाना। तो एक काइंड ऑफ तीन स्टेप आपने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा, जो आप कह रहे हो ना कंप्लीटिंग स्क्वायर, आप इसका पूरा स्क्वायर कंप्लीट कर लोगे। कैसे, आप जस्ट ये लिखो जेड लिखो, उसके बाद 2 से डिवाइड करने के बाद जो चीज आई थी वो आप लिखो, 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आया था -3/34, तो आप यहां पे -3/34 लिख दो और स्क्वायर लगा दो। तभी मैंने यहां पे माइनस कंसीडर किया था ताकि आसानी हो, जो 2 से डिवाइड करने के बाद आया था वो आपने एज इज यहां पे लिख दिया। अब अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे ना तो एक चीज आ रही होगी, जरा करके देख लेते हैं, फॉर्मूला लगाओ a माइनस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस 2ab, ये करते हो ना, प्लस b स्क्वायर, ये काम करते थे,
तो देखो ये टर्म और ये वाली टर्म तो सेम ही है, इसको जरा सिंप्लीफाई करो, 2 1 2 2 17 34, तो अगेन देखो -3/17 z आ रहा है। तो इस पूरी तीन टर्म की जगह आपने क्या किया, कंप्लीटिंग स्क्वायर की टेक्निक बता दी। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी काफी सिंप्लीफाइड हो गई है, अब जरा राइट हैंड साइड पे वर्किंग करते हैं। -1/34 तो अपनी जगह पे, इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, -3 का स्क्वायर 9 होता है, और 34 का स्क्वायर, और ऑब्वियसली 34 का अगर आप स्क्वायर लोगे तो एलसीएम भी वही आएगा, तो उसको मैं इस तरह लिखता हूँ 34 का स्क्वायर, एलसीएम यहाँ पे 34 का स्क्वायर ही होगा। तो मैं अभी कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहा, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आप ऐसे भी रख के इसको कैलकुलेट कर सकते हो, तो कैलकुलेटर के बगैर भी आप सॉल्व कर सकते हो इसको। कैसे, नेक्स्ट टाइम आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम आप किस तरह लोगे, एलसीएम आप इसी तरह लोगे कि जो 34 का स्क्वायर होगा ना वही एलसीएम होगा। इसको याद रख लो कि अगर आपके पास दो डिनोमिनेटर है, फॉर एग्जांपल अगर एक 4 है और एक आपके पास 16 है, तो एलसीएम क्या होगा, 16 होगा। क्यों, 16 को आप किस तरह लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर। तो ये जो डिनोमिनेटर में अगर आपको ये रिलेशन नजर आए ना कि एक पे नंबर है और दूसरा डिनोमिनेटर में वो स्क्वायर हुआ है, तो जो है वही एलसीएम माना जाएगा। सही है, तो यहाँ पे एलसीएम 34 का स्क्वायर है। उसके बाद आप सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हो, स्टेप्स क्या होते हैं सिंप्लीफिकेशन के, कि इस 34 के स्क्वायर को आप डिवाइड करो 34 से, 34 के स्क्वायर को जब आप 34 से डिवाइड करोगे तो 1/34 बच जाएगा, उस 34 को -1 से करो तो -34, इसी तरह 34 के स्क्वायर को जब आप डिवाइड करोगे 34 के स्क्वायर से तो 1 बचेगा, 1 को +9 से करो 9 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करो ये क्या है, -34 + 9 ये हो जाएगा -25। यही होगा ना, और नीचे क्या आ जाएगा, 34 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मौजूद है, z -3/34 का होल स्क्वायर। अब वक्त आ गया दोनों तरफ रूट लेने का, तो आप ये वर्डिंग लिखो टेकिंग, या तो लिख दो टेकिंग स्क्वायर रूट, या सिंपल ये लिख दो, या स्क्वायर रूट लिख देता, अच्छा वर्ड है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लो। तो यहाँ पे जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो ये हो जाएगा z -3/34 का होल स्क्वायर का रूट। जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हो तो राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस लगाते हो, और यहाँ पे भी आप ले लो -25/34 का स्क्वायर। ठीक है, अब जरा मजीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा, z -3/34। अच्छा जी, और यहां पे क्या होगा, एक तो प्लस माइनस आ गया, दूसरा ये जो -1 है, -1 की जगह तो आपको पता आयोटा आ जाएगा। 25 का रूट क्या होता है, 25 का रूट होता है 5, तो यहाँ पे ऊपर 5 आ गया डिवाइड बाय, देखो 34 का स्क्वायर का जब आप रूट लोगे तो अगेन स्क्वायर से रूट कैंसिल, पीछे क्या बचेगा, 34 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 34। अब आपको असल में क्या करना था, आपको जेड की वैल्यू निकालनी थी यहाँ पे, असल जो आपका गोल था ना वो जेड की वैल्यू निकालना था, तो आपने जेड की वैल्यू निकाल ली। कैसे, -3/34 को उधर ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा, ये सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है, तो चाहो तो अलग अलग आप लिख सकते हो, या एलसीएम ले लो, आपकी बात क्या था इस तरह, तो ये जेड की वैल्यूज आई है 3 ± 5/34 आयोटा, दो वैल्यूज आई है, ये निकालना था ना आपको। हाँ, तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर, वेयर जेड आपको पता है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ही आएगा, उन्होंने इक्वेशन इसी टाइप की दी है कि जिसके आंसर में कॉम्प्लेक्स ही आ रहा होगा। ये सारे स्टेप्स हैं बच्चों, इस तरीके से आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हो। मुश्किल वाला जो सवाल था उसमें मैंने आप लोगों को करवा दिए, इसके अलावा जो सवाल है ना उनमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब में जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो ये वाला स्टेप आपको करना ही नहीं पड़ेगा। आप लोग दूसरे स्टेप से स्टार्ट करोगे, कॉन्स्टेंट को उधर भेजोगे, फिर जो मैंने बताया वही काम करना है, एंड पे आपके पास आंसर आ जाएगा।